गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी चैप्टर्स आप आई होप कर ही रहे होंगे रिवाइज। थ्री ट्यूटोरियल्स हम अपलोड कर चुके हैं अभी तक, जिसमें फर्स्ट वाले में हमने क्या पढ़ा था, सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस मतलब सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स। फिर हमने सेकेंड ट्यूटोरियल में सीखा था कि टाइप्स ऑफ इवेंट्स क्या होते हैं, जिसके अंदर हमने सिंपल इवेंट्स, कंपाउंड इवेंट्स, श्योर इवेंट्स किए थे, पॉसिबल इवेंट्स समझे थे, कॉम्प्लीमेंट इवेंट पढ़ा था, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स पढ़ा था जो यहाँ पे भी आ सकता है, इस वाले एक्सरसाइज में भी आ सकता है, और एग्जॉस्टिव इवेंट्स पढ़े थे। और थर्ड वाले में हमने बेसिक प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस किए थे स्टार्ट, जिसमें हमने फर्स्ट 10 क्वेश्चंस एक्सरसाइज के करे थे। अब चलते हैं उसी के आगे 11th क्वेश्चन पे, ये एनसीईआरटी की थर्ड एक्सरसाइज है। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्या कह रहा है ये। इन अ लॉटरी पर्सन चूज 6 डिफरेंट नेचुरल नंबर्स एट रेंडम फ्रॉम 1 to 20। एक लॉटरी है जिसमें 1 से 20 तक एक पर्सन 6 नंबर चूज कर सकता है, ठीक है। एंड इफ दीज 6 नंबर मैच विद 6 नंबर ऑलरेडी फिक्स बाय द लॉटरी, मतलब पहले क्या होता है, लॉटरी जब वो खरीदता है तो उसके नंबर और लॉटरी जो निकालते हैं कि भाई इस नंबर पे प्राइस मिलेगा, उनसे मैच कर जाती है तो उसको प्राइस मिल जाता है। और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ लिखी है, ऑर्डर इम्पॉर्टेंट नहीं है। मतलब ये नहीं कि अगर मान लेते हैं कि कंपनी ने 6, 5, 7 और 3 किया है और 11 और 20 किया है, तो अगर वो पहले लेवल ले लेते तब भी उसका सही नंबर माना जाएगा। मतलब नंबर सेम होने चाहिए, ऑर्डर मैटर नहीं करता, ये कह रहा है एज़ पर द क्वेश्चन। तो हम बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ केसेस की, टोटल नंबर ऑफ केसेस की। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस क्या होंगे, तो हम कहेंगे टोटल नंबर ऑफ केसेस होंगे बेसिकली कि कंपनी 20 में से कोई भी 6 नंबर चूज़ कर सकती है प्राइस के लिए, तो नंबर ऑफ सेलेक्शन फॉर प्राइस जो होगा वो हो जाएगा 26, जिसको हम लिख सकते हैं सेलेक्शन कर लिए। तो कोई भी 6 नंबर चूज़ कर सकती है कंपनी, इसको जो हमने सॉल्व किया, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाया, तो ये आ गया आपके पास 20 × 19 × 18 × 17 × 16 × 15 / 6 × 6 6, 5, 4, 3, 2, 1। और प्रोबेबिलिटी की बात करें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग, तो ये जो 6 नंबर चूज़ करेगी कंपनी, तो एक ही केस में उस पर्सन के नंबर मैच करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग होगी 1/20/36। यानी जो भी 6 नंबर चूज़ करेगी, एक ही केस ऐसा होगा जब उसके केस मैच करेंगे तो हम उसको लिख देंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग हो जाएगी। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 6, 5, 4, 3, 2, 1 और डिवाइडेड बाय, ये जो हमने सॉल्व किया इसको तो लिख दिया, 20 × 19 × 18 × 17 × 15 × 16। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 6, 3 × 18 कट गया, 5, 4 × 20 चला गया, 2 × 8 चला गया, तो हमारे पास बच गया प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग क्या आ जाएगी। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग हो जाएगी हमारे पास 15 × 8 करेंगे तो 120 आ जाएगा, 19 × 7 कर लेते हैं, ये आ जाएगा आपके पास 7 × 9 = 63, 3 × 6 = 7 × 7 = 13, ये आ जाएगा 19 और 1, तो ये आ गया हमारे पास मल्टीप्लाई करके 3, 12, 1 = 3, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 120 से, है ना। तो एक ज़ीरो लगा देते हैं, 12 × 36 = 6, 3 = 3, 12 × 24 = 27 = 7, 2 = 2, 12 × 36 = 2 = 38। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 1/38760। इसको अगर हम ऐसे ना समझ के ये भी कह सकते हैं कि ना, इसको एक और तरीके से भी कर सकते थे कि मान लेते हैं कि कंपनी जो चूज़ करेगी नंबर, विन कब होगा, जो हमारे नंबर मैच करेंगे कंपनी से। तो कंपनी पहले कोई भी 20 नंबर चूज़ कर सकती थी, फिर सेकेंड वाला नंबर कोई भी 19 चूज़ कर सकती है, थर्ड के लिए 18 चूज़ कर सकती है, फोर्थ के लिए 17, फिफ्थ के लिए 16 और सिक्स नंबर चूज़ कर सकती है 15वें में, ठीक है। अब मान लेते हैं कंपनी ने नंबर चूज़ कर लिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये कंपनी ने नंबर चूज़ कर लिया। अब वो पर्सन प्रोबेबिलिटी कब जीतेगा, जब उनके पास इन्हीं में से 6 नंबर आएगा, तो उसके विन करने की प्रोबेबिलिटी होगी कि पहला नंबर जो चूज़ करेगा वो इन 6 में से कोई भी चूज़ कर सकता है, तो इसलिए 6 स्पेस। फिर दूसरा नंबर जो चूज़ करेगा वो रिमेनिंग 5 में से चूज़ करेगा, तो 5 × 4, 3 × 2 × 1। तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी देखा जा सकता है और आप देखोगे कि आंसर मैच कर रहा है ना।
देख लीजिए मैच कर रहा है बिल्कुल आंसर से, तो इस तरह भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, एक बार सिर्फ कैलकुलेशन आप देख लेना, ये मल्टीप्लिकेशन ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं 12th क्वेश्चन की, कह रहे हैं कि ये डाटा इनमें से कौन सा सही है। सही है मतलब कंसिस्टेंटली डिफाइंड, मतलब जो एक्चुअली डिफाइंड है या हो सकता है। तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, एक बार मैं समझाने की कोशिश करता हूँ इसको ज़रा। कि यहाँ पे ये 12th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, करेक्ट कैसे है, करेक्टनेस कैसे है वो देखते हैं एक बार। एक बार आप सोचिए ज़रा कि ना यहाँ पे जब हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की, तो और बात करते हैं जब इंटरसेक्शन की, तो इंटरसेक्शन होता है हमारा कॉमन पार्ट, और हमें ये पता है कि कॉमन पार्ट जो है वो ए और बी से कभी बड़ा नहीं हो सकता। यानी ये हमें ध्यान भी रखना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमेशा ए और बी से इंडिविजुअली छोटी होगी या इक्वल होगी। मतलब बड़ी कैसे हो सकती है, सोचो आपके ना, अगर एक सेट ए है और एक सेट बी है, तो कॉमन पार्ट हमेशा ए और बी से छोटा है, कभी बड़ा नहीं हो सकता। अगर मान लेते हैं कोई एक सेट बी का इक्वल भी है या सबसेट भी है, तभी जो कॉमन पार्ट आएगा उस वो बी के इक्वल ही होगा। यानी इंटरसेक्शन कभी भी किसी इंडिविजुअल सेट से बड़ा नहीं हो सकता, सही बात, क्योंकि कॉमन पार्ट तो हमेशा छोटा आएगा या इक्वल आएगा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो इसी पे भी दिया हुआ, देखो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखी है 0.5, यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखी है 0.7, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है 0.6। अब 0.6 0.5 से बड़ा कैसे हो सकता है, क्योंकि जबकि ए तो 0.5 है। तो हम कहेंगे इन फर्स्ट केस वी ऑब्जर्व दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विच इज़ 0.6 इज मोर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विच इज़ 0.5 विच इज़ नॉट पॉसिबल। ये तो पॉसिबल है ही नहीं कि इंटरसेक्शन कॉमन बड़ा कैसे आ सकता है किसी सेट से, है ना। कॉमन है तो वो या तो मैक्सिमम एक ही इक्वल होगा, जब नंबर ऑफ केसेस कॉमन ढूंढने की कोशिश करोगे तो उससे ज़्यादा तो नहीं आ सकते ना ए सेट से, वो कॉमन कैसे रहे, कॉमन वर्ड थोड़ी होगा फिर तो, है ना। तो विच इज़ नॉट पॉसिबल, सो दिस डाटा इज नॉट कंसिस्टेंटली डिफाइंड। अब बात करते हैं सेकेंड वाले डाटा की। सेकेंड डाटा क्या देगा देखें, सेकेंड में हमें यूनियन दे रखा है, तो यूनियन से पहले हम इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। तो यूनियन तो फिर भी बड़ा हो सकता है दोनों से, तो हम यहाँ पे यूनियन का फॉर्मूला दे रखा है। हमें पता है पी ऑफ ए होता है प्लस पी ऑफ बी होता है माइनस इंटरसेक्शन होता है। तो यहाँ देखते हैं हमारे को जो डाटा दिया है क्या वो सही है। ये 0.8 दे रखा है, ये 0.5 है, ये 0.4 है, और ये इंटरसेक्शन है। तो जहाँ से यहाँ से हम जब इंटरसेक्शन निकालेंगे तो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा 0.9 माइनस 0.8 0.1। तो ये तो ठीक है क्योंकि 0.1 दोनों ही केस में पी ए से भी छोटा और पी से भी छोटा, तो कहेंगे यस इट इज़ कंसिस्टेंटली डिफाइंड। तो ये हमें इस क्वेश्चन में बताना था, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, इनमें से पी ऑफ ए पी ऑफ बी इंटरसेक्शन यूनियन में से चार में से तीन चीज़ें दी हुई हैं, फोर्थ पूछी जा रही है। तो हम जैसे 13 का फर्स्ट पार्ट करते हैं, तो पी ऑफ ए यूनियन बी जो हम फॉर्मूला लगाएंगे, तो पी ऑफ ए यानी 1/3, तो 1/3 प्लस 1/5 माइनस 1/15 है, क्योंकि पी ए प्लस पी बी माइनस इंटरसेक्शन होता है। एलसीएम ले लेते हैं, 15 आ जाएगा, तो 5 + 3 माइनस 1, तो ये बन जाएगा 7/15। सेकेंड पार्ट में भी फॉर्म लगाते हैं, पी ऑफ ए यूनियन बी 0.6 दे रखा है, पी ऑफ ए 0.35 दे रखा है, पी ऑफ बी हमें नहीं पता, और इंटरसेक्शन 0.25 है। तो 0.3 में से 0.5 चला गया, 25 चला गया, तो 0.1 रह गया। तो x की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगी 0.6 माइनस 0.1 0.5, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.5, ये हमारे पास आ रहा है 7/15। अब चलते हैं थर्ड केस की तरफ, थर्ड केस क्या हो जाएगा, हम क्या देंगे x की वैल्यू हो गई 0.5। अगला देखते हैं, इसको भी x मान लेता हूँ मैं, तो वो यूनियन दे रखा है 0.7, ये 0.5, ये 0.35 माइनस x, इंटरसेक्शन नहीं पता, इसका सम आ जाएगा 0.85
तो जब एक्स को उधर ले जाएंगे पॉइंट, और ये 0.7 इधर आ जाएगा तो आ जाएगा 0.15, सो कि 0.85 में से 0.70 जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.15। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि पी ऑफ ए यूनियन बी निकालो अगर ए और बी म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है। हमने पढ़ा था अभी पिछले एक्सरसाइज में कि म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स कैसे होते हैं जिनमें इंटरसेक्शन जो होता है वो फाई होता है। इंटरसेक्शन फाई होने का मतलब है इनके इंटरसेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़ीरो होती है। तो इसको हम यूज़ करेंगे, कंसेप्ट को कैसे यूज़ करेंगे, इसी फॉर्मूले में फोर्टीन क्वेश्चन में हम फॉर्मूला लगाते हैं। पी ऑफ ए यूनियन बी का क्या फॉर्मूला होता है फोर्टीन क्वेश्चन में? पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस इंटरसेक्शन। अब वो कह रहे हैं ए और बी निकालो, और मतलब यूनियन निकालो, और ये 3/5 और 1/5 दे रखे हैं। ये 3/5 है, ये 1/5 है, और ये ज़ीरो है। तो पी ऑफ ए यूनियन बी क्या आ जाएगा हमारा 4/5। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 15th क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, इसकी मैंने फॉर्मूले आपसे डिस्कस किया था कि 15th क्वेश्चन पढ़ने देखते क्या है। ए एंड बी आर इवेंट्स वे पी ई इज 1/4, पी एफ इज 1/2 एंड मतलब इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन हमें दे रखा है और पूछा यानी यूनियन पूछा है। तो पहले पार्ट में तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा, हम कहेंगे ए यूनियन एफ का फॉर्मूला होता है हमारा पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ एफ माइनस इंटरसेक्शन। तो ये फॉर्मूला लिख देते हैं। अब यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते देखते क्या आता है। ये आ रहा है 1/4, ये आ रहा है 1/2 और ये 1/8। इसको सॉल्व करते तो एलसीएम तो 8 ही आ जाएगा, तो ये बन गया 2, ये बन गया 4 और ये बन गया 1। तो ये आ जाएगा आपके पास 5/8। तो पहला पार्ट तो हो गया। अब उसके बाद कह रहा है सेकंड पार्ट कि पी नॉट ई यानी ई बार एंड मतलब इंटरसेक्शन एफ बार निकालो। तो आपको याद होगा पिछले वाले ट्यूटोरियल में हमने किया था कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। हम क्या करते हैं कंबाइंड बार लगा देते हैं और यूनियन को इंटरसेक्शन बना लेते हैं, इंटरसेक्शन को यूनियन बाय डी मॉर्गन्स लॉ। तो ये यूनियन बन जाएगा। अब हमें ई यूनियन एफ नहीं चाहिए, तो इसका मतलब इसका आंसर आएगा 1 - पी ऑफ ई यूनियन एफ। ई यूनियन एफ हम 5/8 निकाल चुके हैं, तो इसका आंसर आएगा 1 - 5/8 यानी 3/8। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए 15th क्वेश्चन तो कितना ईजी था। अब चलते हैं 16th क्वेश्चन की तरफ। इवेंट ई एन एफ वर्सेज दैट नॉट ई और नॉट एफ ए 0.25, ठीक है, पॉइंट ई पॉइंट ई बार मतलब बेसिकली ई बार और मतलब यूनियन एफ बार हमें दे रखा है 0.25। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? अभी बताया था मैंने आपको डी मॉर्गन्स लॉ से। इसको हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे दोनों पे कंबाइंड बार, यूनियन बन जाएगा इंटरसेक्शन, और इसको लिखेंगे हम 1 - पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, क्योंकि ई इंटरसेक्शन एफ नहीं होना चाहिए और ये 0.5 दे रखा है। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करके ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू निकाल सकते हैं ना। तो हमारा ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा, ई इंटरसेक्शन हो जाएगा हमारा 1 - 0.25 यानी 0.75। ये हो गया हमारा ई इंटरसेक्शन एफ। ठीक है, और यही हमें बताना था। कैसे बताना था, देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि बताओ कि ई और एफ इंटरसेक्शन म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है। तो हम क्या देख रहे हैं कि ई इंटरसेक्शन एफ जो आ रहा है वो 0.75 आ रहा है, यानी वो ज़ीरो के इक्वल नहीं है। तो हम यहाँ कंक्लूड कर देंगे कि ई एंड एफ आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स नहीं है, है ना,
म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हो गया हमारे पास। अभी कह रहा है कि ना अगला क्वेश्चन, पी ऑफ ए दे रखा है, पी ऑफ बी दे रखा है, एंड यानी इंटरसेक्शन दे रखा है, हमें नॉट ए नॉट बी और यूनियन चाहिए। तो ये भी क्वेश्चन इसी तरह से, तो पी ऑफ ए हमें दे रखा है 0.42, पी ऑफ बी दे रखा है 0.48, पॉइंट फोर एट और दे रखा है 0.16, इंटरसेक्शन है हमारा 0.16। हमें निकालना क्या है फर्स्ट पार्ट में, पी नॉट ए, नॉट ए का मतलब हो गया ए बार निकालना है। तो किसी भी चीज़ के ना होने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, वन में से उसके होने की प्रोबेबिलिटी माइनस कर देते हैं, यानी वन में से 0.42 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0.58। ऐसे ही सेकेंड पार्ट, पी ऑफ बी बार निकालना है तो कैसे निकालेंगे, वन में से पी ऑफ बी माइनस कर देंगे, वन माइनस 0.48 तो ये 0.52 आ जाएगा। अब हम निकालते हैं ए यूनियन बी पूछा है, और मतलब यूनियन पूछा है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस इंटरसेक्शन। तो अब इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं, ये दे रखा है 0.42, ये 0.48 और ये दे रखा है 0.16। अब हम इसको ऐड करेंगे इन दोनों को तो आ जाएगा 0.9, 0.9 में से 0.16 आएगा। अब कुछ बच्चे ने जो गलत करते हैं तो एक बार इसको समझते हैं, 0.9 को लिख सकते हैं 0.90। अब आप माइनस करना क्योंकि डेसिमल पार्ट सेम है, तो 10 में से 6 गया 4, इसने इसको एक कैरी कर दिया तो 8 में से 1 गया 7, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 0.74। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इनको आपको करना आना चाहिए। अब जो 18th क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन है, ये हमारी है सेट्स के ऊपर बेस। याद होगा आपको सेट्स में हमने ऐसे क्वेश्चन करते थे, वहाँ पे नंबर निकालते थे, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी में सिर्फ हमें टोटल नंबर से डिवाइड कर देना है। देखिए क्वेश्चन क्या है बेटा, बहुत ईजी क्वेश्चन है सारे के सारे। देखिए एक बार, इन ए क्लास ऑफ स्कूल 40% स्टूडेंट स्टडी मैथ्स। तो इसका मतलब है कि अगर मैं किसी बच्चे को सेलेक्ट करता हूँ तो मैथ्स पढ़ता है, तो उसको सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी जो होगी, यानी मैथ्स पढ़ने वाले बच्चों की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो 40% होगी, यानी 40/100। यहाँ कह रहा है 30% बच्चे बायो पढ़ते हैं, तो बायो वाला बच्चा अगर हम सेलेक्ट करते हैं यानी ढूंढते हैं तो उनकी प्रोबेबिलिटी है 30/100। और 10% बच्चे बोथ यानी इंटरसेक्शन पढ़ते हैं, एंड मतलब बोथ, तो यानी मैथ्स भी पढ़ते हैं और बायो भी पढ़ते हैं, ऐसे बच्चे हैं 10%। अब वो कह रहा है एक अगर स्टूडेंट सेलेक्ट करते हैं उसके मैथ्स और बायो पढ़ने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यानी यूनियन की बात कर रहे हैं, है ना, और मतलब यूनियन। तो हम कहेंगे इसका फॉर्मूला होता है पी ऑफ एम प्लस पी ऑफ बी माइनस इंटरसेक्शन। तो इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज पुट कर देंगे, हमारे सारी वैल्यू ये है 40%, ये 30% और ये 10%, एलसीएम सेम है इसलिए 100 ले लेते हैं, तो ऊपर आ जाएगा 70 - 160%। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी जो आ जाएगी वो आ जाएगी 3/5। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना, बहुत इजी क्वेश्चन था। 19th पे चलते हैं, एक बार 19th क्वेश्चन रह गया। ये कह रहा है 19th क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं। इन एन इंटरेस्ट एज द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूज पासिंग द फर्स्ट एग्जाम, दो एग्जाम पास करने के बच्चे को, पहले एग्जाम पास करने की प्रोबेबिलिटी 0.8 है, दूसरे की 0.5 है, एंड एटलीस्ट वन ऑफ देम इज 0.95, एटलीस्ट वन ऑफ देम मतलब यूनियन, और हमें इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है बोथ की। तो वो देखेंगे वो डाटा क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट एग्ज़ाम जो है हमारे पास करने की वो 0.8 है, सेकेंड एग्ज़ाम पास करने की प्रोबेबिलिटी 0.7 है, और एटलीस्ट वन या तो फर्स्ट या टू या इनमें से दोनों, मतलब एटलीस्ट का लो यूनियन होता है, ये 0.95 दे रखा है, और कह रहा है इंटरसेक्शन बताओ। क्वेश्चन तो बहुत आसान है, सिर्फ हमने डाटा को समझ लिया ये क्या दिया हुआ है। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं कि वन यूनियन सेकंड जो होता है वो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ वन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड माइनस देयर इंटरसेक्शन, यही होता है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0.8
ये 0.7, ये 0.95, इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 1.5 माइनस 0.95, तो ये आ जाएगा 0.55, है ना। और इसको माइनस करना आपको आता है, 1.5 को ले सकते हैं 1.50, 0.95, 10 में से 5 गया तो 5 हो गया, इसने इसको कैरी कर दिया था तो ये 14 हो गया, 14 में से 9 गया तो 5 हो गया, और यहाँ कुछ बचा नहीं। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन, यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि ये हमें दे रखा था इंटरसेक्शन, तो मैंने ना इनकी वैल्यू इंटरचेंज करके डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी एक तरह से। मैं इसको इंटरसेक्शन को इधर ले आया, हो गया बेटा इंटरसेक्शन चाहिए, तो पी ऑफ 1 प्लस पी ऑफ 2 माइनस ये कर दिया और फिर उसके बाद वैल्यू पुट कर दिया, तो हमारे पास इंटरसेक्शन की जो वैल्यू है, इंटरसेक्शन की वैल्यू यानी दोनों में पास होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो आ गई 0.55। तो ये क्वेश्चन देखिए बहुत आसान क्वेश्चन, सीधे सीधे क्वेश्चन है, ऐसे ही 20th क्वेश्चन है, एक बिल्कुल सेम है। यहाँ पे भी पहले हम ना क्या करते हैं, डाटा लिख लेते हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट विल पास द एग्जामिनेशन इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, बोथ वर्ड दिया बट, तो बोथ का मतलब हो गया इंटरसेक्शन, हमें दे रखा है कि इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में पास होने की प्रोबेबिलिटी 0.5 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग नीदर, ना तो मैथ्स ना तो इंग्लिश में पास होता है, नीदर मतलब ना तो इंग्लिश में पास होता है ना हिंदी में पास होता है, इसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.1। तो इसका फॉर्मूला पहले हम लिख लेते हैं, क्या आएगा, तो हम कहेंगे कि ई बार इंटरसेक्शन एच बार जो है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, हम जब हम बार लेंगे तो कंबाइंड बार लेंगे तो इंटरसेक्शन भी बन जाएगा यूनियन, तो ये दे रखा है पी ऑफ यूनियन एच नहीं होना चाहिए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, 1 में से माइनस कर देंगे इसके होने की प्रोबेबिलिटी, तो यानी ये हमें दे रखा है 0.1। तो यहाँ से हम जब सॉल्व करेंगे तो पी ऑफ ई यूनियन एच जो आ जाएगा हमारे पास वो आ जाएगा 0.9। तो ई यूनियन एच पता है हमें, हमें पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एच पता है, और अगर आगे पढ़ें तो यहाँ पे एक और चीज़ दे रखी है कि प्रोबेबिलिटी दैट ही पास इन इंग्लिश एग्जामिनेशन इज 0.75। तो ये तीसरी चीज़ भी दे रखी है, और हमें फोर्थ चीज़ निकालनी है जिनको जो इनको रिलेट करती है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, पी ऑफ ई, यहाँ पे हम पहले फार्मूला लिख देते हैं कि पी ऑफ ई यूनियन एच इज इक्वल टू पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ एच माइनस इंटरसेक्शन, ये प्रोबेबिलिटी होती है। अब इसमें ये हमें दे रखा है 0.9, ये दे रखा है 0.75, ये हमें नहीं पता, और ये दे रखा है 0.5। तो 0.7 में से 0.5 जाएगा तो 0.25 रह जाएगा। पीएच निकालने के लिए 0.9 में से 0.25 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 5.65। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ये आ गई हमारे पास, ये हम इसको इस चीज़ को दोबारा लिख देते हैं, भाई साहब अगर पढ़े तो समझ आना चाहिए क्या है। ये क्वेश्चन तो क्लियर हो गया होगा आपको ना कि क्या किया हमने, ये तो 0.9 में से मैंने 0.25 माइनस कर दिया और 0.65 हमारा आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, 21 क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या दे रखा है बेटा 21 क्वेश्चन में, ये कह रहा है 60 स्टूडेंट एक क्लास में, 30 ऑप्ट करते हैं एनसीसी। इसका मतलब है कि एनसीसी सेलेक्ट करने वाला जो बच्चा होगा, एनसीसी जो सेलेक्ट मतलब बेसिकली एनसी, अगर मैं एक बच्चा सेलेक्ट करूँ और वो एनसीसी का हो तो उसको सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 30 में 60, क्योंकि प्रोबेबिलिटी होती है फेवरेबल इवेंट्स अपॉन टोटल नंबर इवेंट्स। एनएसएस के बच्चे हैं 32, तो एनएसएस का बच्चा सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 32/60। मैं इसको 2 से कट नहीं कर रहा, एलसीएम लेना आसान रहेगा। और ये 24 बच्चे जो दोनों हैं, तो यानी इसमें इंटरसेक्शन हो गया, आप चाहो तो इसमें ना इसको ए और बी मान के रिप्रेजेंटेशन आसान कर सकते हो, नहीं तो ऐसे भी कैरी कर सकते हैं डायरेक्टली। अब पहला क्वेश्चन है कि और वाली प्रोबेबिलिटी बताओ, तो हम कहेंगे और जो फॉर्मूला होगा हमारा एनसीसी और एनएसएस, तो उसका फॉर्मूला होगा एनसीसी तो यानी 30/60 प्लस 32/60, क्योंकि पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस इंटरसेक्शन होता है, तो हमने इसको सॉल्व कर दिया
तो 32 में से 24 के 8, तो ये आ जाएगा 30 + 8, 38/60। अब इसको हम कट कर सकते हैं 19/30। तो ये हमारा पहले पार्ट का आंसर है। सेकंड पार्ट की बात करते हैं। ये कह रहा है नीदर एनसीसी नॉर एसएसएस, ना तो एनसीसी हो ना एनएसएसएस हो। इसका फॉर्मूला हमने किया था ना कि ए बार इंटरसेक्शन बी बार क्या होता है, ये होता है 1 - p(a)(b). तो हमने जो ये पार्ट निकाला है पहले ऊपर वाला, उसको माइनस कर देंगे 1 - 19/30, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 11/30। और थर्ड पार्ट की बात करते हैं। थर्ड पार्ट कह रहा है कि एनएसएस तो ऑप्ट करे बट एनसीसी ना करे, यानी एक तरह से ये पी ऑफ बी इंटरसेक्शन नहीं हो गया। तो इसको हमने कैसे निकाला था फर्स्ट ट्यूटोरियल में, पी ऑफ बी में से एनएसएस में से इंटरसेक्शन माइनस कर दिया था, तो हम यही करते हैं बिल्कुल सेम। तो एनएसएस हमारा है 32 और इंटरसेक्शन है 24, तो इसको माइनस कर देंगे, तो आ जाएगा 8/60। और 8/60 को जब कट करेंगे तो आ जाएगा 2/50। तो ये हमारा एक्सरसाइज ओवर हो गई। तो आपने देखा प्रोबेबिलिटी चैप्टर ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है और अंडरस्टैंडिंग की, और फिर ये ओवर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको पूरा कर लीजिए, प्रोबेबिलिटी चैप्टर हमारा पूरा ओवर हो चुका है, सारे कंसेप्ट कवर कर चुके हैं, सिर्फ मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए करने हैं। पहले आप ट्राई कर लो, नहीं होंगे तो फिर मैं करवा दूँगा आपको, ठीक है। तो ये चैप्टर को यहीं फिनिश करते हैं, ऑल द बेस्ट। जल्दी इसको कंप्लीट करिए, रिवाइज करिए, ताकि हम आगे जल्दी से अगला चैप्टर स्टार्ट कर सकें, ठीक है। थैंक यू।